दोस्तों कल रात में आरा मशीन मानव, हाँ ये ट्रांसलेट होता है चेनसॉ मैन का, देखना शुरू किया। पता ही नहीं चला कब पूरा रात बीत गया। चार ही एपिसोड निकले हैं अभी, लेकिन मस्त है। और पहला एपिसोड देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है अपनी। दूसरे एपिसोड में आप लोगों को देखने मिलेगा। थर्ड एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल होगा और दिल से एक ही बात निकलेगा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। फोर्थ एपिसोड में भर भर के फैन सर्विस डाला गया है आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे पोछिता को रियल लाइफ में देखना है, तो कैसे हो सकता है, तो आज हम वही बनाएंगे। पोछिता का बॉडी बनाने के लिए रेफरेंस फोटो के हिसाब से मैं एक चिवावा ले रहा हूँ, क्योंकि वो बैड एस फीलिंग जो होता है ना, वो चिवावा में सबसे अच्छे से दिखाई देता है। काम शुरू कर देते हैं। आउटलाइन बन चुका है हमारा और मुझे पता है आप लोग फेस का चेनसॉ देखने की अपेक्षा में ही हो, तो पहले उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने नाक के बराबर सेंट्रल लाइन खींच देके उसके ऊपर ही चेनसॉ डिज़ाइन किया हूँ। रुकिया, डिज़ाइन कैसा होगा ये समझने के लिए मैं एक रेफरेंस फोटोग्राफ ऐड कर दे रहा हूँ। दो हैंडल में से एक हैंडल कान के बराबर है, तो वहाँ पे मैं पहले मार्क कर लिया हूँ। थोड़ा सा बालों पे भी काम करते हैं। अब मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आप लोगों को कि बालों का कलर जो होगा ना, वो रेफरेंस फोटो में जैसा बिल्कुल स्मूथ सिल्की फर है वैसा नहीं बनाऊँगा, क्योंकि वैसा बनाने में रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अब एनीमे में जैसे दिखाया गया है कि मैं गरीब हूँ, उस हिसाब से देख के नहीं लगता कि हमारा हीरो किसी भी एंगल से एक डेविल डॉग को संभालने के लिए एफोर्ड कर सकता था। अब चलिए कानों पे ही काम करते हैं। कानों को हम हैंडल बनाएंगे, दोनों को जोड़ दिया है मैंने। थोड़ा सा डिज़ाइन में खुद से ऐड कर रहा हूँ ताकि और भी रियलिस्टिक दिखाई दे। वैसे इस ड्राइंग पे बाल बनाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक रेड जेल पेन, एक ऑरेंज स्केच पेन और एक ऑरेंज कलर पेंसिल यूज़ किया हूँ। चेनसॉ हमारा बन ही चुका है पूरा, और मैं छुपाऊंगा नहीं आप लोगों से, कैमरा के पीछे भी थोड़ा सा फाइनल टच के लिए मैंने काम किया हूँ और बाद में भी करूँगा, देख सकते हैं आप लोग। अब पीठ के हैंडल पे काम शुरू करते हैं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ऑनलाइन भी सर्च करके देखा कि चेनसॉ का असल में हैंडल कैसा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं हैंडल बनाऊंगा। एनीमे में जैसा बिल्कुल एक ब्लैक कलर का सिंपल हैंडल दिया है वैसा मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा बोलिए। वैसे आप लोग कमेंट नहीं करते, बुरा लगता है। सब्सक्राइब बटन भी बहुत लोगों का भी लाल है, उसे भी ज़रा ग्रे बना दीजिए तो और भी अच्छा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, तो अपने दोस्तों जो लोग एनीमे के फ़ैन हैं या फिर ड्राइंग, तो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पूंछ हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है चेनसॉ का वैसा ही एक रखेंगे पूंछ इसके लिए। चलिए अब फर के ऊपर काम करते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। स्क्रीन के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप लोग कैसे अच्छे से रियलिस्टिक फर बनाते हैं वो देख सकते हैं। उस तो ये वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं बोलने के लिए। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, कैसा लगा ज़रूर बोलिए। और हाँ, अगला ड्राइंग किस बारे में होना चाहिए वो आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। I hope you enjoy this video. Thank you. और हाँ, please ये drawing अगर सच में अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों यारों से share कीजिए, उन्हें भी video देखने का मौका दीजिए, इससे channel का भी help होता है।